नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राज्य की जनता 10 साल बाद विधानसभा के लिए नेता का चुनाव करेगी। इस वजह से जम्मू कश्मीर चुनाव पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है, लेकिन इसके साथ ही चुनाव में एक चीज और देखने को मिल रही है और वो ये है कि ज्यादातर पार्टियां गठबंधन को भूलकर अकेले चुनाव लड़ने निकल पड़ी हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। वहीं केंद्र और यूपी सरकार में एनडीए की सहयोगी आरएलडी ने भी बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से अलग कुल 37 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला ले चुकी है। जम्मू कश्मीर चुनाव में ज्यादातर पार्टियां अकेले पर दम भर रही हैं और रणनीति बना रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है और क्या वाकई ये सच हो पाएगा। वहीं कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी क्या तैयारियां कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे नंबर पर आई बीजेपी ने 25 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने गठबंधन किया। बीजेपी पीडीपी की सरकार में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी। ये गठबंधन करीब 2 साल तक चला, लेकिन साल 2018 में गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया। इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों जबकि कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। सीट शेयरिंग समझौते के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कश्मीर में एक और पैंथर पार्टी के लिए जम्मू में एक सीट छोड़ी गई है। साल 2014 में कांग्रेस पार्टी को जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में 12 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत जम्मू क्षेत्र में बढ़ गया। कांग्रेस का असल मुकाबला और चुनौती जम्मू क्षेत्र में है, जहां बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें जीती थी। वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी में कांग्रेस के लिए कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिख रही है, फिर भी पार्टी को सीटों पर जीत पा सकती है। साल 2009 तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी मौजूदगी रही, उसके बाद से क्षेत्र में कांग्रेस का असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि कांग्रेस को शायद इस बार उभरने का मौका मिल सकता है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को मौका परस्ती बता रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रवक्ता जुएल रैना ने कहा, ये साफ है कि ये मौका परस्ती का गठबंधन है। 1994 में जब कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिसमिस किया था, तब इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या कहा था, ये लोगों को याद है। अभी केवल मोदी जी से नफरत और सत्ता पाने के लिए गठबंधन क्या है। बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं सभी 90 सीटों पर मतगणना 8 अक्टूबर को होगी, जो पहले 4 अक्टूबर को होने वाली थी। वहीं तैयारी की बात करें तो बीजेपी सबसे ज्यादा दमदार तैयारी करते हुए नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं इस लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी नाम मिला है, यानी कि सीएम योगी अब घाटी में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पहले भी बीजेपी को सीएम योगी के प्रचार का लाभ दूसरे राज्यों में मिल चुका है। वहीं सवाल उठता है कि मेहनत किसकी रंग लाएगी, तो बता दें कि पूरी तरीके से जनता की
वोटिंग पैटर्न पर डिपेंड करता है। बता दें कि 10 साल बाद जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो सूबे का नक्शा और राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई है। लद्दाख अलग हो चुका है, वहीं जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अब अपनी विधानसभा है। 2002 चुनाव से लेकर 1962 के चुनाव के करीब 4 दशक के बाद ऐसा विधानसभा चुनाव हुआ जब जम्मू कश्मीर में 50% के नीचे ही वोटिंग रही, लेकिन हाल में जब आम चुनाव हुए तो प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव में सीटों पर औसतन तकरीबन 60% तक वोटिंग हुई थी। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में हुई रिकॉर्ड वोटिंग को आर्टिकल 370 हटाए जाने, विपक्षी खासकर केंद्र सरकार के शासन के खिलाफ गुस्सा बताते रहे, लेकिन मोदी सरकार इसे लोकतंत्र में लोगों का भरोसा, नौजवानों की बड़े पैमाने पर चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी और घाटी में चीजें सामान्य होने से जोड़कर देश के सामने पेश करती रही। दोनों दावों की असल पहचान विधानसभा चुनाव में होगी, क्योंकि इस दफा लोग सीधे तौर पर अपनी सरकार और वहां की परिस्थितियों के लिए वोट डालते दिखेंगे। क्या वो करीब 35 साल पुराने 75% के वोटिंग रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, या फिर ज्यादातर बार की तरह इस बार भी 60-70% के अल्ले पल्ले मतदान होगा। इस पर नजरें होंगी सभी की और इसी से ये तय होगा कि जम्मू कश्मीर की सत्ता पर इस बार कौन विराजमान होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।